गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी, दिन पूरा गुजार के अब मैंने उठाया है कैमरा, और कल भी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी मसरूफियात भी थी। दोनों चीज़ें आप सबसे शेयर करूँगी। तो कैसे हैं आप सब? और बस जी, अच्छा ही था, जो हो गया सो हो गया। थोड़ी परेशानी थी, थोड़ा मसरूफ भी थी, सोचा कैमरा उठाती हूँ, आप सबसे बात करती हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाती हूँ और आज शाम की रूटीन भी आप सबसे शेयर करती हूँ। ले जी, सब्जी वहीं पड़ी रह गई, मसाले वहीं पड़े रह गए, भाई रह गया आइसक्रीम वाला। मैंने ऐसे शोर मचाया जैसे तूफान आ गया हो। आधे घर ने मुझे लानत डाली, आधे ने कहा क्या तकलीफ है। मैंने कहा बाहर आइसक्रीम वाला आया, कुल्फी वाला। और कई महीनों बाद लिया, ये पूरी गर्मियों में मेरी दूसरी कुल्फी। कमरे से बाहर आने का मेरा सामान, ये सब कुछ मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। यहाँ पे सेट लगाती हूँ, बैठती हूँ, मसाला बनाती हूँ, फिर उसके बाद सालन बनाना है। घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं। सर में भी थोड़ा दर्द है, तो ये ठीक हो ना हो, काम तो करना ही करना है ना हर कंडीशन में। तो बस सब घर के काम की तैयारी करते हैं। मसाला बनने की शुरुआत हो रही है। चार पाई सीधी की थी, टांग में मोहरे में दर्द है, जिसका करके कल व्लॉग भी नहीं बनाया, तबीयत ठीक नहीं थी। और जी, उसके बाद मसाला बना रहे हैं, हंडिया बनाएंगे। बारिश ने ऐसी ह्यूमिडिटी तैयार की है, ऐसी गर्मी तैयार की है ना, बस जी कहर खुदा का नाजिल हो रहा है। कुछ भी नहीं, इतनी शदीद गर्मी है, दम घुटता है। और आपको क्या मसले बताएं, ना कोई सब्ज़ी मिल रही है, कोई सब्ज़ी नहीं है। सारी सब्ज़ियों का रेट 400-500 रुपए है, और बिल्कुल गली सड़ी पुरानी गलीज सब्ज़ियाँ। कसम अल्लाह ताला की, दाल आलू, दाल आलू, चने की दाल, मूंग की दाल, फिर आलू, फिर चने की दाल, बस इन्हीं चीज़ों पे गुजारा है। चिकन भी तो इतना ना खाया जाता है ना ख़रीदा ही जाता है, सीधी बात, ना खाया जाता है ना ख़रीदा जाता है। और ये मसाले की तैयारी हो रही है, अब जल्दी जल्दी मसाला काट लेते हैं। इसमें ये देखिए, ये भर के टोकरी मैंने डाल ली है। कोई अच्छी नहीं लगती चीज़ खाने को कि क्या खाएं क्या खाएं। साथ में अजान भी होने लग गई है असर की। आज मैं थोड़ा जल्दी बाहर निकल आई थी, काफ़ी सारे काम पड़े थे, मैंने कहा कर लेती हूँ, टांग में दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता जाके शुरू हो जाती हूँ। जी, मैं मसाला बना लेती हूँ और अजान होले फिर आप सबसे बात करती हूँ। जी, तकरीबन मेरा मसाला बन गया है, वो लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर, ये प्याज भी तैयार हो गए हैं। जानू थोड़ा सा धनिया लाए थे, इसे मैंने टिश्यू में लपेट के शापरों में बांध के अच्छे से महफूज किया है। और थोड़ा सा ये भी काट लेते हैं, सालन का कुछ जायका बन जाएगा। उसके बाद सालन ऊपर रख देते हैं, फिर मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात शेयर करूंगी आज, कि हम किराए के मकान ढूंढ रहे थे, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया है, उसके बारे में भी आपको डिटेल देनी है। सो कहीं कहीं ना जाइएगा, प्लीज़ जुड़े रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, मेरे पूरे ब्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। ये देखें जी, गर्मी गर्मी से जा रही है जान पसीने से। और ये देखें मेरे घर की हालत, ये देखें ये क्या इसकी हालत हो गई है, इतना बखेड़ा पड़ा है ना। कल इंशाल्लाह ताला सफाई करूंगी, सफाई का व्लॉग बनाऊंगी। और जी, मोहरे में दर्द था टांग में, इसका करके सफाई करना थोड़ा मुश्किल था, टांग में दर्द था, इसीलिए फिर मैंने सफाई नहीं की है। और कल मैं सफाई का व्लॉग बनाऊंगी, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ। और ये प्याज रखे हैं साफ करने के लिए, ये करूँगी, सालन का तड़का चढ़ा दिया है। और सालन यहाँ पे बन रहा है। और जी, आपके 10,000 रिश्तेदार हों, 20,000 हों, 25,000 हों, मेरे पूरे पूरे ब्लॉग देख के पता करने बस एक दो लोग ही आए हैं, और जो लोग मेरे लिए मटन भी लाए। इसीलिए मेरे लिए मटन का सालन बन रहा है।
क्योंकि इस प्रोटीन का बब्बर शेर प्रोटीन खाने वाला हाथी, जिसका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा और तबीयत बिगड़ती रहती है इसीलिए। तो हमारे लिए किसी ने भी गिफ्ट तोहफा भेजना हो तो बता दें, हम भी प्रोटीन का बब्बर शेर हैं, हमें प्रोटीन पूरे करने हैं। अगर किसी के घर में दूध, दही, अंडे, टोफू, पनीर, मटन, चिकन, फिश मौजूद है, साबुत चने, काले चने, 10 दालें और उबली हुई सब्जियां, तो इस पांडे को भेज दिया करें। एड्रेस हमारे समीना डेली लाइफ व्लॉग पे आपको मिल जाएगा। और जब आते होते हैं व्लॉग देखने तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और सपोर्ट की तो बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ कम ऑन बेबी, क्यों नहीं करते आप सब मुझे सब्सक्राइब? समझ में नहीं आता आप सबको मैं क्या बोल रही हूँ, बस जी गर्मी में ही बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। चलिए जी, मिलती हूँ थोड़ी देर में, जाइएगा कहीं नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी घर पहुँच नहीं थी प्याज, हम ले आए हैं किलो डेढ़ में, अच्छे लेकर आए हैं, इनको साफ करके संभालते हैं, तबीयत ठीक देखो। तो आदत का भी आया था तो मटन आया है, किलो था पता नहीं सवा किलो था, आधा मैंने बना लिया आधा किलो के करीब, क्योंकि मैंने शोरबा ही बनाना होता है, शोरबे में ही दो चार वाइट रोटी के डल जाएंगे। फिर मेरे फैमिली मेम्बर में एक जानू है, अब दूसरा तो कोई है नहीं जो साथ में दाल सब्ज़ी बना लेती, वो भी उसी शोरबे से खा लेंगे। रात का और सुबह का हो जाएगा, दिन को फिर देख लेंगे, वाइट राइस बना लेंगे या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, यही सब मौजूद है। और जी हमारा जो इलाका है ये एक गांव है और विलेज है, गांव है, शहर नहीं है, बहुत छोटा सा मैक्सिमम सा शहर है। बस यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी मिल जाती हैं चीज़ें, जैसा कि सब्ज़ी, आटा, चक्की, बस ये सब, और कुछ करियाना स्टोर है और कोई खास डॉक्टर या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसीलिए हम घर ढूंढ रहे थे दूसरे सिटी में, जो हमें यहाँ से दूर पड़ता है, जहाँ मैं जाती होती हूँ, वो मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पे हम घर देखने गए थे। फिर दो दिन आके तो बस तकफार की, टेंशन से, डिप्रेशन से, सर दर्द हुआ, नींद नहीं आई, फिर एंग्जाइटी की गोली खाई, अभी भी विटामिन का सिरप पीने लगी हूँ, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसका करके व्लॉग नहीं आया। और थैंक्स जी जिन्होंने कमेंट करके मुझे पूछा भी था, देखे थे मैंने उनके कमेंट, यहाँ पर रहते हैं दिल में वो लोग, ऐवे तो नहीं रखे वो सब्सक्राइबर मैंने, हाँ नहीं तो क्या। चलें जी प्याज साफ हो गए हैं, अब मैं अपना सिरप पी लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ वो वीडियो भी हम क्या करके आए थे कल। नहीं जी, सिरप मैंने पी लिया था और अब हम निकल पड़े थे, हमने जाना था सिटी, सिटी में हमने पता करना था किराए के मकान का। यहाँ पे हम जा रहे थे, इलाका भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे टाउन भी बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे प्लॉटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और मकान बने भी हुए थे, बंगलोज भी थे, यानी कि घर भी थे, कोठियाँ भी थीं और सिंगल स्टोरी घर भी थे। तो हमने कोई सिंगल स्टोरी घर ही देखना था, ये उसी का इलाका शुरू हो गया। ये देखिए दोनों तरफ से घर बने हैं, यहाँ पर प्लाट भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे, बने हुए थे और काफ़ी साफ़ इलाका भी था। और हमने इसके अलावा एक और कॉलोनी का विज़िट भी किया था, ये टाउन भी बहुत अच्छा था। और हम सोच रहे थे हम कुछ महीनों के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और जी हम अपना घर भी बनाने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, पर कुछ हालात की वजह से नहीं हो पा रहा है और यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। बिजली, पानी और गैस तीनों के प्रॉब्लम हाई लेवल पे हैं। और मेरे लिए ना एक शॉकिंग न्यूज़ थी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, ये ऑफ़िस है और यहाँ हम ऑफ़िस के अंदर आए थे और हमने कंस्ट्रक्शन की भी थोड़ी मालूमात लेनी थी कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, अगर हम अपने दो कमरे, किचन, एक बरामदा बनाएँ तो, वो भी हमने मालूमात ली। तो जी यहाँ बहुत एड़ी चोटी का जोर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ के रेट्स जो हैं डबल से, ट्रिपल से चौपल हो गए हैं, काफ़ी परेशानी हुई। फिर उसके बाद भाई हमें दिखाने ले गए थे, हमने यहाँ पे देखा भी है, मैं आगे चल के उस घर का विज़िट भी आपको दूंगी थोड़ा, क्योंकि हमने अंदर वीडियो कैमरा लेकर नहीं गए थे और हमने ऐसे ही विज़िट किया। और यहाँ का किराया तकरीबन 40 से 50,000 के करीब था, और जो कि बहुत मुश्किल था हमारे लिए, नामुमकिन हो रहा था। हमने सोचा कहीं और विज़िट करेंगे, फ़िलहाल तो परेशानी ही चल रही है। और जी और मैं एक बात सुन के जो शॉकिंग हुई थी वो ये थी कि यहाँ की लाइट सिर्फ 15 से 20 मिनट जाती है पूरे दिन में, और जबकि हमारी सिटी से 25 से 30 किलोमीटर दूर है और हमारी 24 घंटे में एक घंटा आती है। मुझे सुन के काफ़ी रोना आया, गुस्सा आया। ये वो घर है जिसे हम देख रहे थे, इनके किराए 5 मरला के ही इतने ज़्यादा थे कि फ़िलहाल तो चुप हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कोई कमरा ही बनाएं अपना, क्योंकि यहाँ का हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। काफ़ी हैवी माहौल था और यहाँ पे प्लॉट भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे।
बस जी यही बातें चल रही थी, सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ, आपको बता दूँ। मैं अपनी लाइफ की हर बात आप सबसे शेयर करती हूँ, जस्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे होता है। रोटी बनानी शुरू कर दी थी और जी हाँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं जिस काम के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ, अल्लाह ताला से भी दुआ मांगती हूँ, आप सब भी मेरे लिए दुआ करिएगा ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और प्लीज़ मेरी सपोर्ट भी करिएगा और मेरे लिए दुआ भी करिएगा। इसके साथ ही आज के छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।